चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ बता रहा है क्या, मंथली टेजुक पास, ईयरली टेजुक पास एंड लाइफ टाइम टेजुक पास है। तो इसमें से आपको कौन सा पास बाय करना चाहिए, सबसे पहले उसका सिलेक्शन करना तो जरूरी है ना, कि कौन सा पास आपके लिए बेहतर होगा। तो इस टॉपिक में भी एक अलग वीडियो आएगा, प्लीज़ एक लाइक इस बात में बनता है। एंड सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मंथली टेजू पास जो है या ईयरली टेजू पास है एंड लाइफ टाइम टेजू पास है। देखो अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपने कई सारे अटैम्प्ट दिए हो, आप कॉन्फर्म हो पूरा कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं एक बार टेजू पास ले लेता हूँ, तो मतलब कोई भी पास लिया है मैंने और टेजू पास भी एक बार ले लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या कुछ क्वालिटी है उसके पे सही है, ठीक है, आपको पूरा विश्वास है, या इस केस पे भी सही है कि मैं चलो एक बार टेजू पास लेके देखता हूँ क्या कुछ है, तो उस टाइप पे भी सही है। अगर वो सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ईयरली टेजू पास आप सभी जो है बाय कर सकते हो। ईयरली टेजू पास लॉन्ग टर्म के लिए है, रिकमेंडेड भी है मेरा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक साल के अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लोगे, अगर जैसे कि कुछ टाइम लगता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने पर, ठीक है, किसी का मतलब ट्रैक करने में तो एक साल में हो सकता है, निकल सकता है, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस होता है काफ़ी धीमा होता है, लाइक SSC, ठीक है, UPSC बहुत ही फास्ट जाता है, बैंकिंग बहुत ही फास्ट जाता है, ठीक है। तो उस केस पे आप अलग अलग एग्ज़ाम देना चाहते हो, मान लो कि आज आपने क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, SBI क्लर्क पोस्ट के लिए, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकल गया, रिजल्ट भी हो गया, लेकिन रिक्रूटमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, उस टाइम पर और एक एग्ज़ाम आपने दिया, तो उस एग्ज़ाम आप चलो आप उस जब एग्ज़ाम दे तो आपने मैनेजर पोस्ट में चले गए आप, ठीक है, मैनेजर पे आपका सिलेक्शन हो गया, तो इस वजह से आप लॉन्ग टर्म का एक टेजू पास ले लेना, ठीक, टेजू पास ले लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पे जो मंथली टेजू पास, ईयरली टेजू पास, लाइफ टाइम पास है, इसका ऑरिजिनल कीमत है 149, इसका ऑरिजिनल 299, इसका ऑरिजिनल कीमत है कितना 499। तो क्यों मुझे डिस्काउंट दिखा रहा है, मुझे इस वजह से डिस्काउंट दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे कूपन कोड यूज़ किया था, ये कूपन कोड आप सभी भी यूज़ कर लीजिएगा तो आपको भी जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एवरीवन।